मेरा बचपन यही बीता, मेरी ससुराल भी यहीं पर ही है, तो सभी लोगों का समर्थन सभी समाजों में मेरा आना जाना है। मेरा पड़ोसी मुस्लिम है तो इधर तमिल है, सामने भोजपुरी बोलने वाले रहते हैं, तो सभी की भाषाओं और मिलनसार है सभी लोग, सभी लोगों का समर्थन मुझे मिलता है। आज के दौर में वोटर तौर पर ये समझ में आया कि विधायक के कामों से यहाँ की जनता खुश है और एमसीडी में भी केजरीवाल जी को मिलाना चाहती है। अच्छा, दौरे के बाद प्रश्न उठता है कि यह क्षेत्र पहले से भी विधायक जी 8 साल से क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आप दौरा कर रही है, तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए विधायक जी का इस पार्टी से होना? बिल्कुल बिल्कुल प्लस पॉइंट है, क्योंकि विधायक जी ने यहाँ पर बहुत सारे काम कराए और उनका रोज ना रोज किसी परिवार में आना जाना रहता है और विधायक जी बिल्कुल घर जैसे यहाँ पर लोगों से मिलते हैं और सभी लोगों उनका मान सम्मान अच्छा है, यहाँ पर हमारे लिए प्लस पॉइंट। पीछे भारत नगर में सिख समुदाय का समर्थन और कल जैसा कि मस्जिद में मुसलमान समाज का बिल्कुल इतना जबरदस्त समर्थन था और आज एक और पदयात्रा। इलेक्शन का दौर है तो सभी समाजों से मिलना है, मैं यहाँ पर रहने वाली यही की रहने वाली हूँ, मेरा बचपन यही बीता और अब मेरी ससुराल भी यहीं पर ही है, तो सभी लोगों का समर्थन सभी समाजों में मेरा आना जाना है। मेरा पड़ोसी मुस्लिम है तो इधर तमिल है, सामने भोजपुरी बोलने वाले रहते हैं, तो सभी की भाषाओं और मिलनसार है सभी लोग, सभी लोगों का समर्थन मुझे मिलता है। आपके क्षेत्रवाद को देख के अगर कह सकते हैं कि संपूर्ण तो नहीं लेकिन एक मिनी हिंदुस्तान सा भाषाई समुदाय के आधार पर है ऐसा? बिल्कुल कह सकते हैं जी, मेरा वार्ड, मैं इसको अपना सौभाग्य ही कहूँगी कि मेरा वार्ड जो है इसमें एक और तमिल है, एक और मुस्लिम है, वाल्मीकि समाज है, जाटव समाज है, धोबी है, नाई है, कहार है, सभी प्रकार के लोग हैं, कहीं बंगाली मुसलमान हैं तो कहीं यूपी के हैं, कहीं अलीगढ़ के हैं तो कहीं राजस्थान के हैं, सभी समुदायों में हमारा अच्छा आना जाना है और सभी का प्यार और प्रेम परस्पर रहता है। अंत में 2-4 दिन अब आपके पास शेष रह गए हैं, इस बीच की क्या रणनीति होगी, बैठक सभा क्या क्या करेंगे आप? हम एक एक घर जा रहे हैं और आने वाले टाइम में भी हम इससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर पदयात्राएँ, नुक्कड़ सभाएँ, दो इंडोर मीटिंग, आउटडोर मीटिंग होने वाली है। अभी कुछ ही दिन बाद मतलब संडे को हमारे यहाँ पर सुशील गुप्ता जी का जो हमारे सांसद है उनका जनसभा है, तो उसके लिए भी हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि वो लोग आए। और वैसे भी जो केजरीवाल सरकार है उसका काम इतना अच्छा है कि लोग अपने आप ही जनसभाओं में भीड़ उमड़ती है। वाकई केजरीवाल जिन्होंने 8 साल में दिल्ली में कुछ किया है तो ऐसा किया है कि जहां भी मैम जा रही है पब्लिक जा रही है, पब्लिक मिल रहे हैं, वाकई वो समर्थन दे रहे और कह रहे कि झाड़ू को इस बार वोट पड़ेगा। और एक और बात, इस क्षेत्र में अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के शिक्षा मंत्री, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी आए थे और उन्होंने भीड़ जनसभा को देख के वाकई गदगद हो गए थे और अभी आने वाले समय में सांसद सुशील गुप्ता भी इस क्षेत्र में आने वाले हैं, आप बने रहें और समर्थन के लिए आगे हाथ बढ़ाएं। दिल्ली से जय निवास की। गली गली में मच रहा हल्ला, कह रहे सब नर नारी, गली गली में मच रहा हल्ला, कह रहे सब नर नारी, एडवोकेट चित्रा की देखो आ गई है बारी, हो गली गली में मच रहा हल्ला, कह रहे सब नर नारी, गली गली में मच रहा हल्ला, कह रहे सब नर नारी, एडवोकेट चित्रा की देखो आ गई है बारी। बहनों और भाइयों, आने वाले 4 दिसंबर को एडवोकेट चित्रा विद्यार्थी को कामयाब बनाएं, झाड़ू वाला बटन दबाएं, वजीरपुर वार्ड नंबर 66 का चहुमुखी विकास कराएं, कूड़े के पहाड़ हटाना है। वार्ड नंबर
नंबर 66 का चहुमुखी विकास कराएं। कूड़े के पहाड़ हटाना है, झाड़ू का बटन दबाना है, एमसीडी में भी केजरीवाल को लाना है। शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, सभी समस्याओं का होगा समाधान। याद रखना झाड़ू का चुनाव निशान।